एक दो दिन में वहाँ से आ जाएंगे और वो मैंडेट की लिस्ट भी हम आपके सामने रख देंगे कि कौन वार्ड से कौन सा मैंडेट किसको मिला है और कौन कैंडिडेट हमारा लड़ रहा है। बाकी जो पार्टियाँ इस इलेक्शन के खिलाफ चल रही हैं, जो इसको अवॉइड कर रही हैं या बाइकाट कर रही हैं, वो दोहराई नीति कर रही हैं, दो नीतियाँ अपना रही हैं। जम्मू की तरफ एक नीति है और कश्मीर की तरफ एक नीति अपना रहे हैं। स्टैंड बाई यहाँ पे इंडिपेंडेंट। आज के अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके बारे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा आज बेसिकली मेन मोटिव एक ही था कि हम जो पंचायती और जो वार्ड के इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें हम हिस्सा ले रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी इनमें पार्टिसिपेट करेगी, हमारे कैंडिडेट उतरेंगे और वो सूची हमने ऑलरेडी दिल्ली भेज दी है। उसी सूची के अकॉर्डिंग जो मैंडिडेट आएंगे, मैंडेट मिलेगा, जिन जिनको मिलेगा, जिन जिन का नाम लिस्ट में है उनके लिस्ट के अकॉर्डिंग ही वो नाम आएंगे और वो सूची भी आपको दे दी जाएगी कि कौन कौन से वार्ड से कौन कौन सा मेंबर खड़ा हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई थी। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP जो पार्टीज बाइकाट कर रही हैं, अनदर और भी पार्टीज हैं जो बाइकाट कर रही हैं इस इलेक्शन को, हम उनको बोलते हैं कि ये दोहरी नीति है वो बंद करें, जम्मू में वो अलग नीति अपनाते हैं और कश्मीर में बोलते हैं कि हम बाइकाट कर रहे हैं। जम्मू में स्टैंड बाई खड़े करने की कोशिश की जाती है, अपने कैंडिडेटों को इंडिपेंडेंट खड़े करने की कोशिश जाती है, तो ये नीतियाँ बंद करें, इसको दोहराने की कोशिश ना करें। ऐसा कुछ करने से कोई हासिल नहीं होगा। अगर उनको इलेक्शन लड़ना है तो खुल के सामने आए, नहीं लड़ना है तो चुपचाप अपने घरों में बैठें।